एप्पल एयरपोर्ट्स मैक्स इसी को देखने आए हो ना, तो चलो दिखाता हूँ। वेट रुको, दिखाने से पहले एप्पल एयरपोर्ट मैक्स के बारे में बताता हूँ, अगर अभी दिखा दूंगा ना तो सारा मजा खराब हो जाएगा। तो पहले बता देता हूँ इसके बारे में, क्या बताने से पहले झलक दिखाऊं? तो चलो फिर दिखाता हूँ, उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सूरज विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं टेक्निकल विश्वकर्मा जी यूट्यूब चैनल, जहाँ पर आपको मिलता है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ज्ञान का भंडार। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स फैमिली कॉन्टेक्ट में, और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो लो यार देख लो छोटी सी। कैसा लगा? मस्त है ना? तो चलो अब बताता हूँ इसके बारे में। तो दोस्तों बताने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अरे 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 वो व्यूअर साहब, सब्सक्राइब कौन करेगा? आपका वो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो बताता हूँ इसके बारे में, इस एप्पल एयरपोर्ट मैक्स के बारे में। तो चलो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो मैं मंगा लेता हूँ। लो आ गया मेरा सामान, मेरा लैपटॉप। तो चलो मैं बताता हूँ इस एप्पल एयरपोर्ट मैक्स के बारे में, यानी खासियत क्या है इस एप्पल एयरपोर्ट मैक्स के अंदर और क्या है। तो एकदम ध्यान से देखना और एकदम अंतिम तक देखना। तो दोस्तों जो एप्पल है उसके जो एयरपोर्ट्स है, आपने तो उसके पिछले कई सारे एयरपोर्ट तो आपने देखा होगा, कुछ इस तरह है। जी हाँ, और काफी ज्यादा पॉपुलर भी हुए हैं, और उनको देख देख कर लोग बहुत ज्यादा कॉपी भी करने लगे हैं, और आजकल उनके कॉपी आने लगे हैं और जो है कि मार्केट में बिकने लगे हैं, और जो कि उनके जो प्राइस है वो 500 से लेकर 600 तक के बीच में मिल जाते हैं, एकदम सस्ते एयरपोर्ट्स। तो एप्पल की तो बात किया जाए तो भाई साहब वो एकदम अलग ही लेवल पे है, उनके जो प्राइस है वो भी एकदम आसमान छूते है, क्योंकि एप्पल आप सभी को पता होगा कितना ज्यादा वैल्यूएबल कंपनी है, इसलिए लोग यार एप्पल कंपनी का नाम से ही परचेस कर लेते हैं अगर कोई भी नया प्रोडक्ट आता है। तो उसी तरह एप्पल ने जो है ना अपना एप्पल एयरपोर्ट मैक्स लॉन्च किया है, और ये हाल ही में लॉन्च किया है, जो कि अभी इंडिया के अंदर आया नहीं है, और देख लेते हैं चलो इसके बारे में। तो बात करते हैं इसके कलर ऑप्शन की। तो इसके अंदर जो आपको कलर ऑप्शन देखने मिलता है वो 5 तरह के कलर देखने के लिए मिलते हैं, और वो कौन कौन से कलर है? पहला है स्पेस ग्रे, दूसरा है सिल्वर, तीसरा है ग्रीन, चौथा है स्काई ब्लू, और पांचवा पिंक। ये 5 कलर ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलते हैं, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे भी दिखा दिया हूं। तो ये हो गया। तो बात कर लेते हैं इसके प्राइस की, क्योंकि देखो यार एप्पल का जो प्रोडक्ट है ना वो तब तो नॉर्मल लोग के लिए होते ही औकात के बाहर, ये जो हेडफोन है ना ये भी औकात के बाहर ही है। नॉर्मली देखा जाए जो एयरपोर्ट्स के प्राइस जो होते हैं वो कितने तक आते हैं, मान लो एप्पल के रहे तो वो 12,000 तक तो क्रॉस कर जाते हैं, और बात करते हैं नॉर्मल जो चाइना मार्केट के अंदर मिलते हैं वो कितना, 600 से 700 या 1200 3000 तक के आ जाते हैं। लेकिन भाई साहब इसका जो प्राइस है ना हेडफोन्स का वो भी एकदम आसमान छू रहा है, क्योंकि अगर हेडफोन की बात किया जाए तो यार हमारे मार्केट में बहुत सारे लो क्वालिटी वाले हेडफोन भी अवेलेबल है, जो कि जिसको कंटोपा वाला एयरफोन बोलते हैं, हेडफोन बोलते हैं उसको। तो बेसिकली जो हमें मिल जाता है वो 700 से 800 तक के बीच में मिल जाता है, और उसके बाद अगर और महंगा लेना चाहते हो तो 3000 4000 मैक्स टू मैक्स लोग इतने का परचेस कर लेते हैं। लेकिन भाई साहब जो ये एप्पल का जो एयरपोर्ट मैक्स है ना, ये जो हेडफोन है उसका प्राइस कितना है, 59,900, मतलब यार भाई साहब 60,000 रुपए का। अब 60,000 रुपए का यार देखा जाए ये परचेस नॉर्मली कौन करेगा, जो बड़े लेवल पे है उन लोग परचेस करेंगे, और नॉर्मल बंदे लोग को तो कोई बात ही नहीं है यार, वो तो सोच ही नहीं सकते साला 60,000 रुपए का एयरफोन। तो इसका जो प्राइस है 59,900 रुपए का है, और इसका जो डिजाइन है ना आपको कुछ इस तरह स्क्रीन पे आपको देखने मिल रहा है, इस तरह दिखाई देता होगा पूरा, एकदम जो इसका लुक है ना एकदम बवाल तरीके का। दोस्तों इसके अंदर जो है ना आपको एक बटन देखने को मिलता है, और उसके बाद जब आप अपने हेडफोन को, यानी कि जिसका देखा जाए नॉर्मली सर बड़ा होता है या छोटा होता है, तो एडजस्ट करने के लिए होता है ना ऊपर नीचे करने वाला, तो इसके अंदर जो एडजस्ट करने वाला जो है ना सिस्टम वो काफी एकदम स्मूथ तरीके का है, और उसके बाद इसके ऊपर एक डायलर दिया हुआ है, जैसे कि आप एप्पल वॉच वगैरह के सीरीज में देखते हो, यानी कि एप्पल वॉच में आप देखते हो जो डायलर आपको दिखाई देता है, सेम इसमें भी वो डायलर दिया हुआ है। और बात करते हैं बॉक्स की, मतलब जब आप इस एप्पल एयरपोर्ट मैक्स को परचेस करोगे तो आपको इसके अंदर क्या देखने के लिए मिलेगा, क्या बॉक्स कंटेंट आपको देखने के लिए मिलेगा? तो दोस्तों इसके अंदर बेसिकली आपको देखने को मिलेगा एयरपोर्ट मैक्स जो कि ये हेडफोन है वो देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद इसका एक स्मार्ट केस
केस देखने को मिलेगा जो कि मैग्नेटिक केस है, उसके अंदर आप बस डाल लो और उसको लेके यहाँ से वहां घूमो। और उसके बाद इसमें आपको मिलेगा लाइटनिंग टू USB-C पोर्ट। हाँ, ये तो बेसिक चीजें हो गई इस एयरपोर्ट मैक्स के अंदर। तो बात कर लेते हैं और भी एक्स्ट्रा, तो मैं इस लैपटॉप को हटा लेता हूँ क्योंकि जो बेसिक चीजें बतानी थी जो वो तो मैंने आपको बता दिया, स्क्रीन पे दिखा दिया। तो चलो बात करते हैं, जितना मैं जानता हूँ इस एयरपोर्ट मैक्स के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने जितने भी अभी तक वीडियो देखे हैं, यानी कि जितने भी इस एयरपोर्ट मैक्स के वीडियो देखे ना, वो काफी बवाल तरीके के हैं। मतलब देखा जाए जो इसका बिल्ड क्वालिटी एकदम मस्त तरीके से बना हुआ है, एकदम वाटर रेजिस्टेंट है। और इसमें एक खासियत चीज क्या है, जो कि जो कान के पास लगते ना जो रबड़, वो जो है ना आप उसको चेंज कर सकते हो। अगर आपका वो खराब हो गया है ना तो आप उसको परचेस कर सकते हो apple.com से, और उसका जो प्राइस रहेगा वो $60 से $70 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। तो यही खासियत है, अगर आपको खराब होता है बस मैग्नेटिक दिया हुआ है, बस आपको इस तरह निकालना है, उसको जो फेंकना है और जो दूसरा है उसको लगा देना है। और ये पूरी तरह से कंप्लीट वाटर रेजिस्टेंट है। अगर आप इसको कहीं लेके जाते हो या कहीं पे पहने हो तब फिर आपको इतनी तकलीफ की कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ये वाटर रेजिस्टेंट है। अगर कहीं बरसात वगैरह के कुछ छींटे वगैरह पड़ते हैं पानी के तो कोई टेंशन नहीं। और उसके बाद इसका जो एकदम जो हेड साइड पे लगता है ना, वो भी काफी ज्यादा एकदम मस्त कंफर्टेबल दिया हुआ है। मतलब एकदम रबड़ क्वालिटी का दिया हुआ है, जब आप उसको तानोगे ना तो एकदम अच्छे से तनेगा। और जब आप उसको लंबा करना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यानी कि जो सर होता है वो सब सेम नहीं होता है, वो बड़ा छोटा होता है, तो आप उसको भी एडजस्ट कर सकते हो। जैसे सॉकअप वगैरह होता है ना, उसमें कैसे ऐसा पाइप अंदर जब जाती है और बाहर निकल जाती है, सेम उसी तरह उसमें पतला सा पाइप से जो है कि ज्वाइंट किया हुआ है, आप उसको जो है कि एकदम स्मूथ तरीके से निकाल सकते हो और लगा सकते हो। तो यही है एप्पल एयरपोर्ट्स का जो खासियत। और इसके बैटरी बैकअप की बात किया जाए तो कितना लंबा चलेगा, तो इसका जो प्लेबैक टाइम है ना वो 30 घंटे का दिया हुआ है। एक बार चार्ज कर लो तो 30 घंटे तक आपको ये चलने वाला है। और जो कलर ऑप्शन है आप उसको जो है कि थोड़ा बहुत हेयर फेयर कर सकते हो, क्योंकि जो इसका रबड़ वाला है सेक्शन है ना वो भी अलग अलग कलरों में अवेलेबल रहता है, और वो एकदम चेंजेबल होता है, यानी कि आप उसको निकाल के अलग दूसरे एप्पल के हेडफोन में लगा सकते हो। और ये जो है पूरी तरह से ब्लूटूथ वाला है, तो आप जैसे अगर आपके पास iOS डिवाइस होगा ना, तो आपने देखा होगा अगर किसी आपके पास किसी फ्रेंड के पास एप्पल का एयरपोर्ट होंगे ना, तो जब भी ऐसा ओपन करता है तो तुरंत वहाँ पे आपके या जो iOS डिवाइस होता है उसके ऊपर डिटेक्ट कर देता है, वहाँ पे दिखा देता है कि एयरपोर्ट कनेक्टेड, या वहाँ पे चित्र बन के आता है। तो सेम जो iOS का जो अभी डिवाइस आया जितने भी मोबाइल फोन है ना, तो ये एयरपोर्ट भी उसके अंदर दिखाई देगा, ये जो एयरपोर्ट मैक्स है वो। और इसका आप एक बार बिल्ड क्वालिटी देख लो, इसका जो ट्रेलर तो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई दिया है कि किस तरह दिखाई देता है, और जो है कि इसका इमेज एक बार आप जरूर देखो, दिखता भी काफी ज्यादा यूनिक और एकदम प्रीमियम क्वालिटी का है। और दोस्तों ये है एप्पल कंपनी का, दिखता तो प्रीमियम क्वालिटी का है, बट लेकिन जो इसका प्राइस है वो भी एकदम प्रीमियम क्वालिटी का है। अगर इसके प्राइस की बात किया जाए वो डॉलर्स में कितना है, $550 का आपको देखने के लिए मिलेगा, है ना काफी बवाल चीज। मतलब अगर आप उसको इंडियन रुपीज में परचेस करो तो आपको मिलेगा 60,000 रुपए का, 59,900 रुपए, यानी कि 60,000 या अराउंड फिगर समझ ही लो। हालांकि उतना तो यानी कि तुम यहाँ से वहाँ जाने में जो भाड़ा वगैरह लगा दोगे तो वही चले जाएगा। तो 60,000 रुपए का ये एयरपोर्ट मैक्स देखने के लिए आपको मिलेगा। साला अबे इस एप्पल एयरपोर्ट मैक्स अगर मैं समझ लो परचेस कर लिया और इसको साला बेचूंगा तो साला मेरे पास ऐसे नॉर्मल 15,000 के 4 फोन आ जाएंगे यार भाई। मतलब कुछ भी ये एप्पल वाले मतलब कुछ भी निकालते रहेंगे भाई 60,000 रुपए का। चलो बात करते हैं, अगर कोई 60,000 का जो हेडफोन है वो कोई परचेस करेगा क्या? नहीं ना। तो यार किस तरह, मतलब अब देख लो यार, जो एप्पल लवर होंगे वो तो बेसिकली परचेस जरूरी करेंगे, और उसके बाद जो नॉर्मल बंदे वो तो जाएंगे अपने लोकल मार्केट में और वहां से उठा के लाएंगे क्या 250 रुपए से स्टार्ट होने वाला और 4,000 के बीच वाला हेडफोन। तो यही था यानी जितने मैंने आपको बेसिकली बताया एप्पल एयरपोर्ट मैक्स के बारे में। दिखने में काफी एकदम प्रीमियम क्वालिटी का है और एकदम है भी प्रीमियम, और इसका प्राइस भी एकदम प्रीमियम है। और बात करते हैं जो मैंने और उसके बाद इसके अंदर आपको जो जो मैंने अभी बताया, इसका ट्रेलर तो मैंने आपको दिखाई दिया, एकदम बवाल चीज एकदम दिखाई देता है। तो देखते हैं इंडिया के अंदर कब आता है, और जो है कि और भी कोई जानकारी रहेगा एप्पल की तरफ से तो वो मैं आपको बताते रहूंगा अपने इस वीडियो के थ्रू। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एप्पल एयरपोर्ट मैक्स का जो वीडियो है ना वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो यार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना सभी लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स फैमिली कॉन्टैक्ट के साथ, और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यार देखो तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब करते नहीं हो और जो है कि देख के निकल लेते हो या तो फिर देखते भी नहीं हो, या समझ लो
मैं आपको लिंक शेयर कर रहा था, आप उससे भी नहीं देखते हो तो यार सब्सक्राइब कर दिया करो। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल पे कर देना और उसके बाद मुझे सारे सोशल मीडिया पे फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ पे भी जो है कि मैं ऐसे जो नॉर्मल छोटे मोटे न्यूज या कॉन्टेंट वगैरह होते हैं ना वो मैं वहाँ पे शेयर करते रहता हूँ। तो एक बार मेरे को फॉलो जरूर कर लेना @TechnicalVishwakarmaji, खासकर इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। सबकी लिंक जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी और उसके बाद आप मेरा ब्लॉग भी पढ़ सकते हो www.technicalvishwakarmaji.in। वहाँ पे जब आप विजिट करोगे तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट रिव्यू आपको देखने को मिलेगी और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपके यूजफुल यानी कि आपके जिंदगी में काम आए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को करने वाला यहीं पे खत्म, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय।